बारिश करे भगवान और आगे बढ़ाएं। और अभी समय है बाइबल पठन, सेंट मार्क गॉस्पल चैप्टर 10 वर्सेस 25-27। मैं बुलाना चाहूंगा भोला आके, ये तीन वचन पढ़ेगा, हम उनका साथ देंगे। मरकुस 10 का 25-27 तक। परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाक में से निकल जाना सहज है। वे बहुत ही चकित होकर आपस में कहने लगे, तो फिर किसका उद्धार हो सकता है? यीशु ने उसकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम। Sorry.
यहाँ लिखा हुआ है मार्कस अध्याय 10 और आप देखिए 27, उसमें उन्हें स्थिर दृष्टि से देखते हुए उसने ईसा ने कहा, मनुष्य के लिए तो यहाँ असंभव है, ईश्वर के लिए नहीं, क्योंकि ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। ये बात हम लेंगे, ईश्वर के लिए, ईशा के लिए सब कुछ संभव है। एवरीथिंग पॉसिबल अनटू गॉड, एवरीथिंग पॉसिबल टू गॉड, बट एवरीथिंग इम्पॉसिबल टू एज ह्यूमन बीइंग्स। हम लोग को, मनुष्य को, मानव को सब कुछ संभव नहीं है, असंभव है। जो असंभव है संभव बना देते हैं, और विच इज नॉट पॉसिबल टू अस, गॉड मेक्स एवरीथिंग पॉसिबल टू अस। आज हम इसमें ध्यान करेंगे, किससे बात कर रहा है ईसा ने, शिष्यों से बात कर रहा है, उनको उनसे वो समझने के लिए उनसे बोल रहा है कि धनिक जो है ये दुनिया में, उन लोग प्रभु ईश्वर के पास और वहाँ जन्नत और स्वर्ग में जाने के लिए उनको मना है, क्योंकि ऊंट के नाक से होकर और सुई निकल सकता है, लेकिन धनिक लोग और स्वर्ग जाने के लिए असंभव है, अधिक असंभव है, अधिक सहज नहीं है, असहज है, आसान का काम नहीं है। ये बताना चाहूँगा, ऐसे प्रभु के पास और स्वर्ग जाने के लिए आसान का काम है उन लोग लिए जो धन में लालच है, उनका मन धन में मचलता रहता है, कभी धन का ओर से देखता रहता है, कमाने के लिए देखता रहता है, उनका ऊपर उन लोग सहारा बन जाता है, यीशु मसीह का ऊपर सहारा नहीं बनते हैं। इसके लिए बोल रहा है, हम लोग यहाँ कष्ट उठा रहा है लेकिन अपना गम उठा रहा है, हम लोग संकटों में चल रहा है, क्योंकि एक दिन यीशु मसीह आएगा और हम लोग को ले जाएगा। वो गाना हम लोग गाते थे, क्या गाना गाते थे हम लोग, अपने हम मिलेंगे बादलों में, बादलों में मिलेंगे, वहां एक महफिल होगा, यीशु मसीह से मिलेंगे हम लोग, और हम लोग को वो स्वीकार करेगा उनका साथ लेने के लिए, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए वहां जाएंगे। तो वो खुशी का बात है, यीशु मसीह का साथ रहना और स्वर्गीय पिता का साथ रहना, हम लोग परिवार बनना एक मकसद में, और वहां दरबार में हम लोग रहना, वो एक अच्छा आसान का काम नहीं है, लेकिन आसान बना दिया यीशु मसीह ने। जब हम लोग उनके लिए हम लोग यहाँ कष्ट उठा रहा है, जो कष्ट भी हो, कुछ भी हो, धन मन पूरा अपना आत्मा को समर्पित करके हम लोग सब छोड़ के और उनका ऊपर मन नहीं लगा के, अपना इरादा उनका ऊपर नहीं लगा कर हम लोग रहना चाहिए। कुछ पाने के लिए कुछ खोना चाहिए, हम खोते क्या क्या, यीशु मसीह ने सब कुछ खोने के लिए हम तैयार होना चाहिए। पौलुस ने देखिए सब कुछ खो गया, वो शादी भी, शादी शुदा है, पौलुस ने शादी नहीं किया, शादी मना किया, शादी नहीं किया मतलब वो उनका वो शरीर में अपना जैसे शरीर डाल के ही आया, अपने जैसे माँ का गर्भ से निकल के आया, जो रक्त मांस से बना हुआ शरीर में है तो उनका अंदर सोच ले जाएगा, वो सोचता है ना, हम लोग शरीर में है तो हम लोग को खाने का इच्छा है और पीने का इच्छा है, जीने का इरादा है, और हम लोग का एक रहेगा शादी करना है, क्योंकि शादी करने के लिए सब लोग जो नौजवान है आगे बढ़ रहा है। जब माता पिता शादी नहीं करेगा तो उम्र बढ़ेगा, तो मेरा साल कितना मालूम है, 20 से बढ़ गया, 30 आ रहा है, मैं शादी करना चाहता हूँ, आप करेगा माँ बाप, और मैं जाकर मेरा लड़की को, दुल्हन को मैं ढूंढ लूंगा, मेरे को शादी चाहिए। लेकिन नौजवान है पौलुस, और वो कुछ ऐसा नौजवान था, मैं ये बात नहीं बोलना चाहता हूँ, शादी के लिए वो काबिल है, अगर शादी के काबिल नहीं है कुछ तो बुरा है उसका बदन में, बुराई नहीं है,
उनके भी सोच आता है, बदन का इच्छा है शादी करके और बच्चा पैदा करके एक परिवार बनना, एक अच्छा बीबी मिलना, सुंदर सा बीबी मिलना उनका इरादा है, लेकिन उनको मना कर दिया क्योंकि वो अकेला क्यों रहना चाहता है कि यीशु मसीह के लिए वो सुसमाचार बढ़ाए, उसके लिए बीबी कुछ आतंक नहीं रहेगा, बच्चा बाल बच्चा आतंक नहीं रहेगा। और वो अरी सरी ओर से हर राष्ट्र में देशों में जाकर सुसमाचार बढ़ाए, उनका मकसद जो दिया गया काम में कामयाब होकर सफलता प्राप्त कर यीशु मसीह का सुसमाचार बढ़ाकर उनका गवाह बने और वो उनका पास चले जाए। पूरा सौंप दिया, त्याग कर दिया, दंता और उसका दौलत पूरा यीशु मसीह के लिए। क्यों ऐसे किया? वो धनवान बनने से आप देखिए, धन से कुछ काम सब काम चलता है। धन वालों को कुछ भी गाड़ी ऑडी कार खरीद सकते हैं, जो मर्सिडीज बेंज खरीद सकते हैं, और सब लोग अभी ना एरोप्लेन खरीद रहे, अपना वो एरोप्लेन मा अपना छापर हेलीकॉप्टर खरीद रहे। यहाँ से सिंगापुर जाना थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा करके हेलीकॉप्टर अपना घर में उड़े और अपना घर में उतरे। शॉपिंग जाने के लिए आपको समय नहीं है, शॉपिंग आपका घर का पास आ गया है ना, और स्विगी करके वाइजाग में आया, अभी यहीं भी एक पान चाहिए तो रखो टक टक करो, स्विगी भागते आके पान बोलेगा, आइसक्रीम चाहिए आइसक्रीम। जो मार्केट नहीं जाने वाला टिफिन वाला टिफिन बॉक्स वाला भी है ना, और क्या वो रोमैटो, व्हाट इज दिस रोमाटाइट आर्थराइटिस जैसे, रोमैटो रोमाटाइट आर्थराइटिसम जैसे, हम लोग नहीं चल पाएगा तो आके चाहिएगा। टिफिन वाला सब्जी लाने वाला, सब्जी मंडी के पास जाने का आपको इरादा नहीं तो घर में बैठकर अच्छे से कूप खा सकते, क्या कारण वही आप मंगा सकते हैं। अगर क्लीन करना हुई है, सरविन जी है आज खाना कोई नहीं बना रहा है, और कुछ क्लीन करने वाला मतलब अपना टॉयलेट क्लीन करने वाला आगे है, नंबर करो 9797272727 आ जाएगा। एवरीथिंग इज पॉसिबल विद अ कॉल, वन कॉल। डॉक्टर भी आपका पास आएगा, एक्टर भी आपका पास आएगा, आपको मचलने वाला आपको हंसाने वाला भी है। लॉफिंग क्लब्स आर देयर इन द बिग सिटीज एंड कॉस्मोपॉलिटन सिटीज, यू कैन अनेबल टू लॉफ, मैं ऐसे मुस्कान नहीं है मेरा, मैं नहीं हंसना नहीं है, मैं रो रहा हूं, आपको हंसाने के वाला क्लब भी है, उन लोग आएगा आपको हंसाएगा है ना। रुलाने वाला भी है, जो मर गए आप रो नहीं सकते, आंसू आते नहीं वो आके रोएगा, जब पैसा दे दो, पैसा में परमात्मा है बोलते हैं, पैसा में जब परमात्मा है तो यीशु मसीह का बोलना ये क्या है, पैसा वाला धन वाला वही रह जाएगा, उनका इरादा उनका मन उसका ऊपर ही रहेगा, जिस धन वाला का मन धन में रहेगा, परम पिता का ऊपर नहीं रहेगा। इसलिए आप धनिक बनने के लिए होशियार मत बनो, धन वाला बनने के लिए मच्छर मत हो, आप उनका ओर से मत देखो, और आप परम पिता का ओर देखो, और ऊपर है वहां ऊपर वाला को देखो, और पौलुस को देखो, ईसा को देखो, सब कुछ कुर्बान कर दिया अपने लिए। अब आप बोले से फादर जी मैं गाड़ी बेच दूं, घर बेच दूं, पैसा बेच दूं और खाने के लिए, ऐसे नहीं बोल रहा हूं, रखो इन मन उसका ऊपर ही नहीं रहना चाहे। You understand? Everything is a part of life. सब लोग सोचते शादी एक पार्ट ऑफ लाइफ, उसमें ही रह जाएगा, शादी करो उनको मनाओ बीबी को खिलाओ बीबी को घुमाओ, और जो हस्बैंड रहता है वो भी उसका बीबी को अच्छा मुस्कान लाने के लिए हंसाने के लिए उसको खुशी रखने के लिए उसका साथ घूमो। जब लोग कुत्ता पाल रहे तीन चार कुत्ता उनका पीछे उसको लेके भागो, टट्टी को ले जाओ पेशाब को ले जाओ उसको क्लीन करो, उसको उसका साथ ही सर्विस में रह जा रहा है। घर बनाने वाला घर में एक घर बना दिया दूसरा घर में चले जा रहे, और खूब बिजनेस करने वाला यहाँ बिजनेस दिल्ली में बिजनेस बॉम्बे में बिजनेस बिजनेस को स्प्रेड कर रहा है, और पढ़ाई करने वाला यहाँ पढ़ाई वो पढ़ाई ये पढ़ाई करके डिग्रीस रखने के लिए उन लोग तैयार हो गया। ये सब करो लेकिन उसमें ध्यान आपका समय आपका दिल थोड़ा थोड़ा रखो, खूब दिल आपने पूरा यीशु मसीहा का जो वचन में प्रवचन में रखो और उसका मार्ग में चलो, उनका ओर से देखो,
उनका साथ रहने के लिए, उनका पास जाने के लिए आप तैयार हो जाओ। इसलिए आसान का काम धनिक को प्रवेश नहीं है, अगर ऐसा सब कुछ यीशु मसीह के लिए, परम पिता के लिए आसान का काम है। वो तो असंभव नहीं है, संभव है। इसलिए कुछ भी संभव नहीं है, मत सोचो नया साल में मेरे को पढ़ना असंभव है, मेरे को अच्छा मार्क लाना असंभव है, मत सोचो, और मैं कमाना असंभव है, लेकिन मैं चर्च का हर दिन आना, हिंदी आराधना में सुबह सुबह उठकर असंभव है। अब इफ यू नील डाउन एंड प्रे, आस्क गॉड दैट टुडे आई वांट टू अटेंड टू हिंदी आराधना, टुडे आई वांट टू अटेंड टू द इंग्लिश सर्विस, अदरवाइज तेलुगु सर्विस, इन टाइम और ऑन टाइम, व्हेन यू प्रे इट इज पॉसिबल, व्हेन यू सहारा आप यीशु मसीह का लेते हो, उनका हाथ आपका हाथ पहराते हो और उनका हाथ से हाथ लेते हो, हाथ में हाथ डालकर उनका साथ चलो, वो सही समय में आपको जगाएगा और यहाँ लेके आएगा, और सब कुछ आपको आसान का काम है, असंभव है, वो उनका पास सौंप दो, मंदिर में आके और प्रेयर करो, उनको पूछो, वो संभव कर देगा। घर बसाना असंभव है, घर बसा देगा वो, आप अकेला है जुड़वा बना देगा, जोड़ी बना देगा, आपको जरूरत है काम का काम दे देगा वो, आपका जो रिश्ता का नाता का प्रॉब्लम है, देयर इज अ रिलेशनशिप प्रॉब्लम इन योर फैमिली और वाइफ एंड हस्बैंड टुगेदर, व्हेन सैटन केम मिस्ट ऑफ यू जस्ट नील डाउन एंड प्रे टू गॉड दैट गॉड विल डू वंडरफुल थिंग्स। असंभव का काम नहीं है, इसलिए बोल रहा है, और ऊंट का नाक से सुई जाने का है ना असंभव नहीं है, और धनिक तो वहां जाने का संभव है, तो सब कुछ संभव संभव संभव, एवरीथिंग पॉसिबल पॉसिबल पॉसिबल, एवरीथिंग पॉसिबल पॉसिबल। मैं क्यों बोल रहा हूं, व्हाट इज माय पर्सनल टेस्टिमनी टुडे, ऑन वन ईयर वन वीक बैक आई एम स्ट्रगलिंग विद सम प्रॉब्लम, यू नो इवन आई हैव ए प्रॉब्लम, दैट प्रॉब्लम इज अ स्पिरिचुअल प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम मैं पर्सनल टेस्ट में नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मेरे को पूछेगा कोई फोन करके पर्सनल बोल रहा है करके, मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन प्रॉब्लम इज देयर फॉर एवरी पास्टर एवरी किंग और प्रिंस और सीएम और पीएम, बट हाउ वी सॉल्व द प्रॉब्लम, हाउ टू ओवरकम ऑल द पेन, हाउ टू ओवरकम ऑल द पेन इज देयर, हार्डशिप इज देयर, डिफिकल्टीज आर देयर, वी आर अंडर द डीप वैली ऑफ शैडो ऑफ डेथ, द शैडो ऑफ डेथ वी आर unable to survive, sustain in that particular place where you are unable to get some oxygen, everything. But then, that deep valley, God will rise you up when you stretch your hand, when you pray. Ah, Bhagavan se prarthana karo. Agar main ek saal se nahi, ek week se main prarthana kar raha hoon. Today morning at 4:30, main jaag gaya. Aise sapne aaya. Aise mere ko सही 3:30 बजे 4 बजे उठा दिया, आपको मालूम है उठा था भगवान, और मैं प्रेयर करने लगा, हाउ टू ओवरकम, हाउ टू पास थ्रू, हाउ टू गेट विक्टरी ओवर दैट पेन, दैट पर्टिकुलर हर्डल, हाउ इट्स वेरी नॉट पॉसिबल टू मी एज ए ह्यूमन बीइंग एंड फ्लेश एंड ब्लड, इट इज पॉसिबल टू यू बिकॉज यू आर गॉड, यू आर रेसिडिंग इन मी, जो मन में है तन में है, चलाने वाला है, रखवाला है, मुक्तिदाता है, मुझे बोलो अभी, सबके लिए मैं बोल रहा हूं, मेरे को नहीं करेगा तो आप, व्हाट आई टू डू, मेरा दिक्कत क्या था, व्हाट इज द वीकनेसेस ऑफ बी, देन आई एम गोइंग टू स्टैंड एंड टेस्टिफाई बिफोर द पीपल, देन गॉड टोल्ड, इट्स अ सिंपल वर्ड, सिंपल वर्ड, जस्ट यू स्पीक टू मी एंड यू गो, आई विल गाइड यू, सिंपल, don't be discouraged, don't be disappointed, and pehle hi aap log aise trouble hona, let not your heart be troubled, then that energy came to me, I began to speak, you know, so what mera maqsad kya tha, maqsad chhodne ke liye bhi taiyar tha, abhi maqsad nahi chhod raha hu, everything is possible to God, because mera maqsad ho hai, mera destiny wo hai, मैं उनका ओर से देखता हूँ, एवरीथिंग इज पॉसिबल टू मी, मेरा ताकत से, मेरा पैसा से, मैं मेरा नाम कमाना उससे, मेरा रिश्ता उन लोग से, रिश्ता वालों से, और मेरा सही मेरा दोस्तों से,
ये काम आसान है. When I think, look up to the mountains, the big mountains, or the mountain ranges is called inertia matter, where is not living living matter. When God, we look up to the Lord, living Lord, and the Almighty One, I look up to Him, the vision that God gave me, and He has handed over me the work, then I said, you don't look to the people, look to the mountain, Lord, the ranges of mountain. And you are putting your आप दिल उन पे बहला रहा है, मन को वहां रह रहा है, तन में ऐसा हो रहा है. Leave everything, look unto me purely, and He gave me the strength, and He will give the strength to overcome the pain, hurting, whatever may the impossible things God said is going to do. It's not, मैं किसी का सहारा नहीं लेता हूं, बट उनका सहारा लेता हूँ. When I stretch my hand like that, when He put His hand in my hand, that is called the victory. Then I'm going. That victory comes to you. Your lack of money, something, whatever may be, job or marriage or something. आपका जो रिश्ता है दोनों का बीच में, जो उनको आगे लाने के लिए भगवान करेगा. आपको बच्चा नहीं है, बच्चा भी देगा. एक काम, बिलीव हिम, आपका विश्वास उन पर रखो, यकीन करो उसके, यकीन करो. इफ यू डोंट बिलीव हिम, पुट योर फेथ अपॉन द लॉर्ड, एंड इफ यू पुट फेथ ऑन द लॉर्ड कंप्लीटली फुल्ली, देन आस्क वन वर्ड, दैट विल बी डन, बिकॉज इज अ गॉड ऑफ मिरेकल, गॉड ऑफ ओमनीपोटेंट एंड ओमनीसाइंट एंड प्रिंट अ क्रिएटर. एंड आप एक बात बोलते तो परम पिता वो दोबारा वो बात को क्या बोलेगा, वो बात ही बोलेगा, वो बात को घुमाते नहीं है, झूठा बोलते नहीं. आपका बीबी बदल जाएगी, आपका हस्बैंड बदल जाएगा, आपका दोस्त बदल जाएगा, आपका जो आपका साथी है, सहेली, वो बदल जाएगा. मैं कब बोला, नहीं बोला, लेकिन ऐसे नहीं बोलेगा. When He gives a promise, one covenant, and will stick on to that particular word, he is together. And you say, God, you told me like this, and you gave me vision, and you said you go there. And why do you are doing this? And this, He remain and same that word only. And He says, I told that word. Yes, I will complete that word. Go. That was God's heart. I complete this message right now. I think this message, you got it, I think. And I bless this message will be 30-fold and 60-fold and 100-fold and multiply and bless them you abundantly. प्रार्थना करेंगे. परमपिता, आपका चरणों पर हम लोग आया है. आपको सब कुछ संभव है. हम लोग मनुष्य हैं, मानव हैं, इसलिए हमको असंभव है, क्योंकि संभव करो पूरा. क्या क्या चीज कमी है, शादी, जॉब, परिवार, घर बसाना, और एग्जाम में पास होना, और रिश्ता नहीं है, और बीबी का और उनका परिवार का साथ, और आदमी और औरत लोग का बीच में जो रिश्ता है, परिवार में नहीं है, माँ बाप का रिश्ता और बच्चों का और बाप का रिश्ता, माँ का रिश्ता, रिश्ता नाता जोड़ो, उनका साथ संग रहो, और आप सब कुछ आपको संभव करके लोग यकीन करके प्रार्थना करने से आप उनका साथ रहिए, सब कुछ पूरा करके गवाह बनने के इरादा करो. इस मसीह के नाम से प्रार्थना समर्पित करता हूँ. आमेन, आमेन.